वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने ये डिज़ाइनिंग की है साइड में, जिसमें हमने पोटली बटन लगाए हैं और यहाँ साइड में हमने लेसें लगाई हैं और इसके नीचे फिनिशिंग लगाई है हमने, ठीक है। और बैक में हमने इसकी फिनिशिंग लगा ली पूरी, चाक और दामन में। और ये गला मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, गला हमने किस तरह तैयार किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं साइड की डिज़ाइनिंग हमने किस तरह तैयार की है। ये हमारा दुपट्टा है, इस शर्ट का जो है ना, ये दुपट्टा है। इसमें पिंक कलर भी आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है। ब्लैक ब्लैक के हमने पोटली बटन बना लिए, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, कि पोटली बटन किस तरह तैयार होते हैं। और ये लेस है, पिंक कलर की हमने लेस ले ली, 10 गज हमने लेस ली है इसकी, ठीक है। ये देखें हमारा फ्रंट है, जितना हमारा चेस्ट है उतनी हमारी वेस्ट है, बाकी हिप्स अपने हिसाब से, जितना आपका हिप्स है, ठीक है, उसी हिसाब से आप निशान लगा लें। वेस्ट और चेस्ट जो है ना बराबर आएगा हमारा। इसे खोल लेते हैं। अब यहां पे हम पोटली बटन लगाएंगे अपने। ये जो हमारे निशान आ रहे हैं, निशान के बिल्कुल ऊपर आने चाहिए हमारे पोटली बटन, ठीक है। थोड़े थोड़े से गैप से हम ये सारे पोटली बटन पहले लगा लेंगे, उसके बाद हम इसमें फिनिशिंग लगाएंगे। मैंने पोटली बटन सारे लगा लिए, दूसरी साइड पे भी मैंने पोटली बटन लगा लिए, ठीक है। ये हमने पट्टी काटी हुई है, सेम कलर की पट्टी है हमारी, ये 3.5 इंच चौड़ी पट्टी है। पट्टी को यहाँ पे इस तरह रख लेंगे और इस साइड को यहाँ पे इस तरह रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, ये जो सिलाई लगाई है इसी सिलाई के बराबर में हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, पूरी सिलाई लगा ली मैंने। अब यहाँ पे जो पोटली बटन है उनका रुख हम बाहर की साइड कर देंगे और ये लेस लगाएंगे इस पे, पोटली बटन के बिल्कुल बराबर में लगाएंगे, करीब में। और दूसरी साइड पे भी मैंने लेस लगा ली। अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके लेस लगाएंगे, ठीक है। 5 पट्टियाँ हम यहाँ पे लगाएंगे एक साइड पे, थोड़े थोड़े से गैप से हम 4 पट्टियाँ और लगा लेंगे। मैंने लेस ही लगा दी, ठीक है, करीब करीब मैंने लगाई है। अभी जो हमारा फिनिशिंग है, इसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इस तरह, ठीक है। प्रेस करने के बाद यहाँ से हम मोड़ लेंगे, जो हमारी आखिरी लेस आ रही है इसके बराबर आना चाहिए यहाँ से। दूसरी साइड को भी इसी तरह प्रेस करके हम यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। ये मैंने तुरपाई कर दी, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी मैंने तुरपाई कर दी। और इसके दामन में मैंने फिनिशिंग लगा ली, ठीक है। फिनिशिंग के बाद हमने ये लेस लगाई है। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको ये लेस लगाना बताया है, ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेस हमने किस तरह लगाई है। और देखिए हमारे पास 10 गज हमारे पास ये लेस थी, जो साइडों में हमने लगाई है, दोनों साइडों में हमने लेस लगाई, थोड़ी सी लेस हमारी बच गई थी, तो हमने इसके गले में डिजाइनिंग कर ली। इस गले की डिजाइनिंग आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, पिछली वीडियो में मैं सिखा चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है, वो हम इसकी साइडों में सिलाई लगाएंगे, साइडें बंद करेंगे। ये हमारी बैक है, देखिए निशान लगे हुए हमारी फिटिंग के। ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है, और ये फ्रंट की भी हमारी सीधी साइड है। हम यहाँ पे इसे इस तरह रख लेंगे, ये निशान पे हमारे आनी चाहिए लाइन बिल्कुल। ये देखें, ये हमारे चाक बंद हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ तक हम इसे पक्का कर देंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे पक्का कर देंगे। मैंने हाफ बूट लगाया हुआ इस पे, ठीक है। पोटली बटन जब हमने लगाए थे, जब भी हमने हाफ बूट लगाए थे, ये लेस जो शुरू में हमने पहली लेस लगाई है, इसमें भी हमने हाफ बूट लगाया था, ठीक है। अभी भी हमने हाफ बूट लगाया हुआ है, तो इसे यहाँ पे इस तरह रख लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे किनारे में। ये देखिए, एक साइड पे मैंने सिलाई लगा ली इसकी, ठीक है, दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, अब यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों साइडों की सिलाई लगा ली। ठीक है, अब इसके बैक के चाक दामन में हम फिनिशिंग लगा लेंगे और उसके बाद तुरपाई कर देंगे हम इसे। मैंने फिनिशिंग लगा ली, ठीक है, पट्टा लगा लिया मैंने बैक में, चाक में भी और दामन में भी। ये लेस के बराबर हमारा बैक आ रहा है और इसकी हमने स्लीव्स लगा ली, ठीक है। ये स्लीव्स हमने तैयार की, इसमें प्लेटें दी हमने, पेंटेक्स दिए हैं, ठीक है, और आगे हमने लेस लगा दी। ये स्लीव्स लगा दी हमने, ये हमारी शर्ट तैयार हो गई।